अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कोमल जाहिद। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन। क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सर बना लेते हैं। मैंने एक परात लिया, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही ऐड किया है, 2 टेबलस्पून पीसी हुई मिर्चें, 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून बेसन, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इसको थोड़ा सा हाथ से क्रश कर लेंगे। 2 अंडे जो अच्छे से हम फेंट के इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन तमाम चीज़ों को हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून सोया सॉस और 3 टेबलस्पून चिली सॉस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम हाथों से। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे हम इसमें। कॉर्नफ्लावर डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद तिल 2 टेबलस्पून। अब ये डन हो गया। अब हम चिकन की एक एक बोटी को अच्छे से इसके अंदर मसाले को कोट करके इसे बॉक्स में रखते रहेंगे। जो लेग पीस होंगे हम उसमें बड़े बड़े कट लगा लेंगे ताकि वो अंदर तक अच्छे से मसाला रच जाए। इसी तरह सारी बोटियों को हम अच्छे से मसाला लगा देंगे। आप इसे हफ्ता भी फ्रीज कर सकते हैं और उसे निकाल के थोड़ी देर रख दें फ्राई करने से पहले और फिर इसे फ्राई करें। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही लजीज। अब इसे हम 8 घंटे के लिए रख देंगे। घी फुल गर्म हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर सारी बोटियों को रख देंगे और इसे स्लो आंच पे फ्राई करेंगे अच्छे से। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब हम इसे हिलाएंगे आराम से ताकि मसाला इसके ऊपर से ना उतरे। इसे लाइट ब्राउन करना है हमने। बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप दही की चटनी के साथ इसे खाएं गरम गरम, बहुत मज़े के बनते हैं। अब ये डन हो गया। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। एक तो आप इस तरह भी इसे फ्राई कर सकते हैं और कॉर्नफ्लावर लगा कर भी फ्राई कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर लगाने से ये ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अब कॉर्नफ्लावर पर ज़रा ज़रा से इसे कॉर्नफ्लावर में करके अब इसे ऑयल में डाल देंगे। इसको भी हमने हल्की आँच पर फ्राई करना है। हल्की आंच पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। इसी तरह सारी बोटियों को हम घी में डाल देंगे, उसको स्लो आंच पर फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी बने। अगर आप फुल आंच पर करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जले हुए होंगे। अब हम इसे हिलाएंगे आहिस्ता से। ये देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हुए। अब ये डन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बाहर के हो, इतने ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का बनते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।